ओके नाउ स्टार्ट। अब अभी देखो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, जरा बताओ एक बार क्विक क्विकली बता दो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे बताओ। आप तो बोल रहे थे अभी रिवाइज करके आए हो सारी चीजें, क्यों बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्या क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? एंगल ट्रायंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ा था। ऑफ, एंगल ऑफ क्या था? डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव डिफ्लेक्शन पढ़ा था, ठीक है। और फील्ड ऑफ व्यू, ऑफ व्यू फील्ड ऑफ पढ़ा था, और सर डेविएशंस, डेविएशंस के तो कुछ यस क्वेश्चंस ज्यादा किए थे वैसे हमने लास्ट क्लास, है ना। आज क्या पढ़ने वाले सर। हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। मिरर जैसे आपने देखा होगा कि मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप अगर दूर खड़े हुए हो, जब उसके पास जाते हो तो क्या आपको अपना चेहरा बड़ा दिखने लगता है जैसे जैसे पास जाते हो? कभी कभी ऐसा किया है? अपनी नाक आप उस शीशे मिरर से लगा के देखिए कभी, यस सर, तो बड़ी दिखती है ना। यस हाँ, तो वो कैसे मूव करती हैं, इमेज कैसे, इमेज की वेलोसिटी मिरर के अंदर क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज। और क्या देखेंगे? इमेज इन पैरेलल मिरर। याद है आपको मैंने पैरेलल मिरर्स के बारे में बताया था थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास में? बस यस ऐसे ही बताया था, ऐसे ही बताया था। सर, उसको आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर और मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन पैरेलल प्लेन मिरर्स। और कुछ वेलोसिटी पे और पैरेलल प्लेन मिरर पे कुछ बेस क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में, हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। यस तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? हैंड रेस करोगे? हैंड रेस, हैंड रेस करो जरा। किसी को नहीं पता? शीतल राव, फील्ड ऑफ व्यू की डेफिनेशन क्या था? फील्ड ऑफ व्यू, अरे डेफिनेशन मत बताओ, ऐसे ही बता दो ना क्या समझ में आया था फील्ड ऑफ व्यू के आपको लास्ट क्लास। एनीवन? नहीं पढ़ के आए ना, रिवाइज करके नहीं आए ना? अभी जब मैं पूछ रहा था कि रिवाइज करके आए हो कि नहीं, तो आप सबने बोला था कि एकदम रिवाइज करके आए हैं, सब एकदम क्लियर। फिर अभी क्या हुआ? फील्ड हाँ, हर्ष बताओ। एरिया होता है जो हम मिरर के अंदर देख सकते हैं एट अ टाइम। वो एरिया जिसमें आपको प्रेजेंट होना चाहिए, जिसकी आप जिसमें आपकी आईज प्रेजेंट होनी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में देखने के लिए। मतलब आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आप अपनी इमेज देख पाओगे। क्या अगर आप मिरर से साइड में खड़े हो जाओगे? साइड में खड़े होने का मतलब है कि अगर आपकी आंखें मिरर के उस एरिया से बाहर है तो क्या आपकी इमेज मिरर में बन जाएगी? नो सर, नहीं बनेगी ना। नो सर, अगर बन भी रही होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों दिखाई नहीं देगी? क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि आपकी आंखें उस फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। अच्छा एक चीज बताऊंगी, जैसे मैंने ये दिखा है आपको, ये मिरर है मान लो, क्या मैं यहां से इसको टिल्ट करके कहीं दूर पर कोई बंदा बैठा है, मतलब कोई भी सामान ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज इसमें बना सकता हूँ? यस सर, मान लो हर्ष यस है, सर, हर्ष को ही ले लेते हैं, हर्ष कहीं और बैठा हुआ है, क्या हर्ष की इमेज में इस मिरर को टिल्ट करके बना सकता हूँ इस मिरर में, और मैं आराम से उसके फील्ड ऑफ व्यू में आके देख भी सकता हूँ कि हर्ष की मिरर इमेज यहाँ पे बन रही है, लेकिन हर्ष काफी दूर है इसलिए बहुत छोटी इमेज बन रही है मिरर में। तो आप देखोगे मतलब हर्ष की इमेज को देखने के लिए क्या एक स्पेसिफिक एरिया होगा, उसी में आपको अपनी आंख को लाना पड़ेगा? क्या यस सर, हर्ष दूर से अपनी इमेज को देख पाएगा?
सर, क्यों नहीं देख नो पाएगा? सर, क्योंकि हर्ष की आंखें उस फील्ड ऑफ व्यू एरिया से बाहर है। अगर आपको हर्ष की इमेज देखनी है मिरर में, तो एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ व्यू मतलब कुछ एरिया में आपकी आंखों को आना पड़ेगा, तभी आपको उसकी इमेज दिखेगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। याद है कल की क्लास में किया था हमने? यस अब जरा इसको बताओ, डेविएशन बाई सिंगल प्लेन मिरर का फॉर्मूला क्या था? सिंगल प्लेन मिरर का रे का डेविएशन होता था, डेल्टा इक्वल टू कुछ फॉर्मूला था। बताओ यार क्या होता है वो फॉर्मूला? 180 -2i 180 -2i। एग्जैक्टली करेक्ट। सिमिलरली टू प्लेन मिरर हो तो 360 360 एग्जैक्टली। अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। आपने देखा होगा कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो या निकल के जा रहे हो, तो आपकी इमेज भी मिरर के सामने से उसी स्पीड में जाती है ना, यस सर, जाती है ना। तो यस अभी हम देखेंगे कि जब आप मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो, कब कैसे मूव कर रहे हो? परपेंडिकुलर टू द मिरर मूव कर रहे हो। जैसे मिरर ऐसे है और आपका ऑब्जेक्ट या आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो क्या होगा? जैसे मान लो आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप मिरर की तरफ मूव कर रहे हो, तो देखो इस टाइम पे ये डायरेक्शन गलत बना दी थी। ये डायरेक्शन इमेज भी क्या ऐसे ही मिरर की तरफ ही आएगी? यस सर, इमेज भी मिरर की तरफ ही आएगी ना। तो आप देखोगे कि जैसे 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 आपका सिमिलरली हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो मिरर की जो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है मिरर से, क्या वो इक्वल टू होती है माइनस के इमेज की डिस्टेंस मिरर से? यस मतलब सर, अगर हम डायरेक्शन वाइज लूं, मैं यहां से मान लूं कि इस डायरेक्शन को ले रहा हूं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को ले रहा हूं नेगेटिव, ठीक है? तो मैं यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने मान ली कि 5 सेंटीमीटर है, इस डायरेक्शन में ना पा रहा हूं मैं, क्या इमेज की डिस्टेंस यहां से इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर है कि नहीं है? होगी कि नहीं होगी? यस क्या मैं इस यस 5 सेंटीमीटर को मैं इस डायरेक्शन में नाप रहा हूं, तो क्या मैं माइनस के 5 सेंटीमीटर बोलूंगा? बोलूंगा यस ना। तो ये क्या थी? 5 सेंटीमीटर मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये क्या थी? 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस थी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो हम एक्स ओ एन को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। एक्स आई एन को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया ये माइनस कैसे होता है? यस सर, यस अच्छा, सर, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या मिला? वेलोसिटी मिला। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू। क्लियर है इतना? यस 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 सर। अब देखो, अब वी ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं? वी ओ माइनस के वी एम। ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये देख लो, अगर वी ए बी को मुझे अलग अलग लिखना है, तो आप करोगे वी ए माइनस के वी बी, वी ए वेक्टर माइनस के वी बी वेक्टर। ये मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक ही होगा रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें काफी अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझो कि वी ओ एम को लिख सकता हूं मैं वी ओ माइनस के वी एम। सिमिलरली माइनस आगे है तो वी आई एम को भी लिख सकता हूँ वी आई माइनस के वी एम। इतना क्लियर है? यस सर, अब यस जरा सर, देखो, वी ओ मुझे चाहिए क्या? इमेज की वेलोसिटी चाहिए, इमेज की वेलोसिटी चाहिए। तो मुझे इसको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? इसको इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। जरा देखो, वी आई को अगर इधर ले जाओगे तो क्या प्लस के वी आई हो जाएगा? होगा ना। यस और सर, देखो ये माइनस और ये माइनस, क्या प्लस के वी एम हो जाएगा? प्लस के वी एम यस सर, प्लस, देखो वी एम इधर आएगा तो क्या प्लस के वी एम हो जाएगा? और देखो वी ओ यस अगर इधर आएगा, क्या माइनस के वी ओ हो जाएगा? सर, यस यस सर, तो वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा?
टू वी एम माइनस के वी ओ, क्या हो जाएगा वी आई इक्वल टू, यानी कि इमेज की वेलोसिटी क्या हो गई, इमेज वेलोसिटी इक्वल टू माइनस के, सॉरी टू वी एम माइनस के वी ओ, यानी कि टू वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या होती है, वी आई क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द मिरर। सिमिलरली वी ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखना, ये अगर अलग से दी हुई है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और अगर एम लगी है तो मिरर के रेस्पेक्ट, समझ में आ रही बात, रेस्पेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, रेस्पेक्ट का मतलब आपको याद है, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बताई थी आपको, जब एक बंदा बस के ऊपर बैठ के देख रहा था पेड़ को तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहा था, बस के रेस्पेक्ट, समझ में आ रही है बात, आपको याद है M1D में, M1D हम स्टार्ट कर रहे थे, M1D स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहला टॉपिक आया था व्हाट इज रेस्ट और मोशन, याद है, यस सर, रेस्ट और मोशन का एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि स्क्रीन के सामने आप क्लास ले रहे हो, आप एक रूम में बैठे हो, आपकी मम्मा रूम से देख रही है तो आप रेस्ट पे हो, अगर आप आपकी मम्मा स्पेस से देखेंगे तो आपने बोला था कि आप रेस्ट मूविंग कंडीशन में हो, बोला था कि नहीं, यस सर। सिमिलरली आपको याद हो तो आप एक बार ट्री के नीचे खड़े हुए थे तब बस वो मूविंग कंडीशन में देख रहे थे, तो आपने क्या किया था, आपने बोला था कि सर मैं बस की मोशन देख रहा हूँ ट्री के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसको हम रेस्ट में मानते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसको हम रेस्ट में मानते हैं। सिमिलरली आप जब बस के ऊपर खड़े हुए थे तो बस आगे चल रही थी लेकिन आपको लग क्या रहा था, ट्री पीछे की तरफ चल रहा है, लग रहा था कि नहीं, yes, yes, sir. याद है वो एनिमेशन याद है कि नहीं, yes, sir. तो आपको yes, sir. इतना क्लियर हुआ कि वी आई इक्वल टू टू वी एम माइनस के वी नॉट या फिर वी ओ होगा, क्लियर है, yes, sir. और वी एम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर, सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर है, मिरर के सारी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, आपके सामने एक मिक्स क्वेश्चन भी आएगा जो कि सबका उस क्वेश्चन कर लिए मतलब मजा आ जाएगा, इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब बोला है इसने तो क्या पूछा है, वी आई पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा तो वी आई पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ जरा, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, वी आई इक्वल टू 2vm माइनस के v नॉट, लगाओ डायरेक्शन का याद रखना बस, जीरो डायरेक्शन को याद रखना बस, डायरेक्शन को याद रखना है आपको, आंसर को अपने पास रखो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, अच्छा जीरो कितने लोगों का आंसर आया है, जीरो जीरो आया है आपका, चार छह लोगों का, सात सात लोगों का जीरो आंसर आया है, माइनस के फोर कितने लोगों का आंसर आया है, माइनस के फोर कितने लोगों का आंसर आया है, काजल कश्यप का आंसर आया है, काजल आपका माइनस के फोर आया है या ओनली गलती से एंड्रेस हो गया है, काजल गलती हो गया है, गलती से, ओके, मतलब सबका जीरो आंसर आ रहा है, ठीक है देखते हैं एक बार, पहले देखते हैं उसके बाद आप अपनी गलती देख लीजिएगा, क्या मैं मान लू ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, किसी को कोई दिक्कत, और इसको क्या मान लेता हूँ नेगेटिव, देखो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, तो मेरी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है तो मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, और मिरर की डायरेक्शन ये है तो मैंने इसको नेगेटिव मान लिया, तो अब आप यहां से देखो क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, यस, सिमिलरली मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है मेरी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है मेरी, क्या माइनस के 1 मीटर पर सेकंड है, नहीं है, अब देखो नाउ फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला क्या है, वी आई इक्वल टू 2 वी एम माइनस के वी नॉट है कि नहीं है, ये
आप देखोगे माइनस के टू माइनस के टू, क्या मेरा माइनस के फोर मीटर पर सेकेंड आएगा इमेज की वजह से? जिन लोगों का गलत हुआ था उनकी प्रॉब्लम समझ में आई, क्या दिक्कत हुई थी क्वेश्चन, क्या गलती हुई थी आपसे? गलती हुआ था सही, किसी का एक बच्चे का आंसर हैंड रेज हुआ भी था काजल का, और उन्होंने बोला कि शायद मिस्टेक से हुआ, तो ठीक है कोई नहीं, ये उसका आंसर है। अब सिमिलरली हमारी कंडीशन होती है पैरेलल कंडीशन। पैरेलल का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट दौड़ेगा उसी स्पीड से क्या करेगा इमेज भी दौड़ेगा। पैरेलल का मतलब है जैसे ये मिरर है आपका, इस डायरेक्शन में दौड़े या फिर इस डायरेक्शन में दौड़े, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका क्वेश्चन आप बहुत इजीली भी कर भी दोगे। देखो इस क्वेश्चन को आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, इसमें इमेज कैसे दौड़ेगी, इमेज कैसे दौड़ेगी? टू मीटर पर सेकेंड इमेज टू मीटर पर सेकंड कितने लोगों का है आंसर? टू मीटर पर सेकंड कितने लोगों का है? वन मीटर पर सेकंड कितने लोगों का है? चलो बेटा वन मीटर पर सेकंड ही आंसर होगा। क्यों होगा? देखो देखो जब आपका ऑब्जेक्ट टू मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और साथ साथ मिरर भी तो दौड़ रहा है वन मीटर पर सेकंड से, अगर मिरर आपका रेस्ट पे होता तो आपका इमेज क्या करता? टू मीटर पर सेकंड से दौड़ता, दौड़ता कि नहीं दौड़ता? यस। लेकिन आपका मिरर भी दौड़ रहा है वन मीटर पर सेकंड से, इसीलिए आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इमेज वेलोसिटी क्या होगी? वन मीटर पर सेकंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. अगर आपका मिरर रेस्ट पे होता तब टू मीटर पर सेकंड से दौड़ता। और अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन बनाना चाहूं कि मिरर मेरा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ऑब्जेक्ट मेरा इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, न्यू कंडीशन है, ऑब्जेक्ट मेरा सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये वन मीटर पर सेकंड से, अब बताओ यार इमेज वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड। सोचो जरा। सर 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ जा रहा होगा और मिरर आपका पीछे की तरफ आ रहा होगा तो आपका ऑब्जेक्ट और जल्दी पीछे आएगा ना, आएगा कि इसको तो ऐसा लगेगा ना, इस ऑब्जेक्ट को तो ऐसा लगेगा कि मैं 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ दौड़ रहा हूं, लगेगा ना इसको ऑब्जेक्ट को तो। मेन चीज होती है ऑब्जेक्ट की फीलिंग, ऑब्जेक्ट को मिरर के रेस्पेक्ट में क्या लग रहा है, क्लियर है? ओके। अब जरा मेन ये क्वेश्चन देखो, जरा इस क्वेश्चन को करो आराम से, थोड़ा सा टाइम लो, इस क्वेश्चन को करो, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ये हुआ मतलब मजा आ गया, दोनों उनका कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस क्वेश्चन के लिए आप 5 मिनट लो और एकदम सुकून से करो इस क्वेश्चन को। दोनों को कंपोनेंट में तोड़ो पहले, उसके बाद पैरेलल को अलग करो, परपेंडिकुलर को अलग करो।
देखो हमेशा क्वेश्चन में ये भी डिपेंड करता है कि हम लेंथ को क्या मान के चल रहे हैं। अगर मैं मिरर को इनफाइनाइट लेंथ का मान लूं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं मिरर को इनफाइनाइट लेंथ का मान लूंगा ना, तो मेरा जो ऑब्जेक्ट की पेरिफेरल थी वही सेम रहेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, इस क्वेश्चन में अगर मैं मिरर को मान लूँ कि भैया मेरा इनफाइनाइट लेंथ का मिरर है, इनफाइनाइट लेंथ का मिरर है, तो इस क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा फिर पता है? वी आई आपका 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है मिरर भले ही करता रहे, क्या इसको अपना चेहरा यहाँ पे दिखेगा हमेशा? दिखेगा कि नहीं? इसको चेहरा तो दिखेगा ना, भले ही ये मिरर आगे की तरफ चलता रहे, हमारे हमारे सामने तो हमेशा मिरर रहेगा ना। तो अगर आपको कभी कभी ऐसा कर दे, क्वेश्चन दे दे और उसमें ये ना दे कि मिरर की लेंथ, मतलब लेंथ को स्पेसिफाई नहीं करे, तो आंसर 2 मीटर पर सेकंड होगा। समझ रहे हो? तो यही सोच के इसमें करना, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आप मान के चलना इनफाइनाइट लेंथ का मिरर है, जिसका एंड नहीं होगा, आराम से और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपका, ये मान के चलना आप। तो आप देखोगे पैरेलल में के लिए क्या कंसेप्ट बताया, स्पीड कैसे रहती है, वेलोसिटी कैसे रहती है, पैरेलल में कैसे रहती है? इक्वल रहती है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इमेज इक्वल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट जो मिरर की इक्वल रहती है, परपेंडिकुलर के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ी सी छोटू सी कैलकुलेशन, छोटू सी। आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैजिक ट्रायंगल की। मैजिक ट्रायंगल क्या था? एक जिस साइड में 53 एंगल था उस साइड में 3 थी, और जिस साइड में 37 था उस साइड में 4 था, और ये 5 था। अब आप यहाँ से साइन साइन कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। आया आंसर? कितने लोगों का आंसर आ गया? एक बच्चे, छवि शर्मा, हाँ बताओ जरा आंसर क्या आया छवि? छवि कर लिया। सर अभी कर रहे हैं। ओके ओके करो, लेकिन 4 मिनट हो चुके हैं बेटा। हाँ प्रवीण बताओ आंसर क्या आया? क्या 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड? क्या पैरेलल वाली वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वाली है? सर इन द सेंस परपेंडिकुलर, पैरेलल इन द सेंस मीटर के पैरेलल। पैरेलल है 3 मीटर पर सेकंड, और परपेंडिकुलर? चलो मैं बताता हूँ। अच्छा देखो एक बात बताओ, 4 मीटर यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड है, क्या मैं यहाँ से दो कंपोनेंट तोड़ तोड़ सकता हूँ वेलोसिटी को? इधर क्या होगा 10 sin 53, इधर क्या होगा 10 cos 53। अच्छा 10 sin 53 की, 53 की वैल्यू निकालो sin 53 की, यहाँ से क्या आएगी, क्या आएगी, क्या 4/5 आएगी? अरे बोलो,
फोर बाई फाइव आएगी कि नहीं आएगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 53 के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज भी हो गया। तो देखो यहाँ से टेन इंटू फोर बाई फाइव क्या मेरा टू टाइम्स 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये वाली। सिमिलरली ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10 इंटू कॉस 53 की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 53 की बोलो। इस ट्रायंगल से मैजिक ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए था, 3 बाई फाइव आएगी कि नहीं आएगी, तो 5 बाई 5 3 ये कितना आएगा 6 आएगा कि नहीं आएगा, 6 आएगा ये। सिमिलरली इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा 5 cos 37 और इधर क्या आएगा 5 sin 37 आएगा कि नहीं। yes, sir. 5 cos 37 क्या आएगा, 5 cos 37 की वैल्यू क्या आएगी, cos 37 बोलो इससे cos 37 4/5 तो यहाँ पे करोगे 5 × 4/5 यानी कि ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर है ये क्या आएगा, साइन 37 की वैल्यू क्या आएगी 3/5 आएगी, 3/5 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड। अब आपको नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए, अब आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब मैं इस सारी चीज को हटाना क्या, फर्स्ट केस आप देख लो, पहले क्या ले लो पैरेलल का ले लो, पहले पैरेलल का ही ले लेते हैं। पैरेलल वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकंड और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पैरेलल वेलोसिटी क्या है, क्या क्या है 3 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है। थ्री मीटर पर सेकंड तो आप देखोगे, हमें ना देखा कि मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का मिरर था, तो क्या ये मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो वही होगी 3 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं। तो मेरा पैरेलल वेलोसिटी क्या आ गई, पैरेलल वेलोसिटी, वेलोसिटी इन पैरेलल डायरेक्शन क्या आ गई 3 मीटर पर सेकंड आएगी कि नहीं। या फिर मैं इसको बोल दूं कि 3j कैप वेक्टर फॉर्म में, वर्टिकल डायरेक्शन में ना। यस सर। अरे इसको अगर एक्स कैप मानो, इसको वाई मानोगे तो आई कैप एक्स डायरेक्शन, वो जे कैप ये वाई डायरेक्शन, तो क्या बोल दूं 3j कैप। सिमिलरली सेकंड केस देखो जरा, सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में क्या है आपका मिरर ये है, मिरर की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में देखो 6 मीटर पर सेकंड। यस सर। सिमिलरली ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है, कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है। यस सर। बोलो ना। यस सर। अब आप यहां से देखो आपके वीएम क्या है, क्या माइनस के 6 है, माइनस के 6 मीटर पर सेकंड है। यस सर। और वी ऑब्जेक्ट क्या आपका 4 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है। बेटा ये क्वेश्चन yes, दोनों पार्ट्स का कंबाइंड है, दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है ये, फर्स्ट वाला था ये सेकंड वाला है। अब देखो हमें निकालना क्या है, इमेज निकालनी है, क्या मेरा 2vm माइनस के v ऑब्जेक्ट था कि नहीं था फॉर्मूला। yes, तो 2 × vm क्या है, vm क्या है, क्या माइनस के 6 है, माइनस के 6 माइनस ऑब्जेक्ट क्या है माइनस के 4, तो आप यहां से देखोगे 6 × 2 = 12, माइनस के 12 और माइनस के 4 क्या माइनस के 16 आया, आया कि नहीं। क्या इस माइनस के 16 को मैं लिख दूं कि माइनस के 16 आई कैप, लिख दूं कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, मीटर पर सेकंड। अब देखो फाइनल वेलोसिटी पूछी ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी पूछी है तो मैं उसके टर्म में लिख दूं कि मेरा इमेज की, सॉरी इमेज की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कि माइनस के 16 आई कैप प्लस के 3 जे कैप होगी कि नहीं मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यस सर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सबको, कैसे आया ये आंसर? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। दोनों क्वेश्चंस को हमें सेपरेट करके करना होगा, दोनों क्वेश्चन को अगर आप सेपरेट करके करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले भूल जाओ, जब आप हॉरिजॉन्टल को ले रहे हो, सॉरी परपेंडिकुलर वेलोसिटी को ले रहे हो, तो भूल जाओ कि पैरेलल वेलोसिटी नामक की कोई चीज है इस क्वेश्चन में,
भूल जाओ, जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने। सिमिलरली पैरेलल में ले रहे हो तो आप भूल जाओगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है, भूल जाओ बिल्कुल। क्लियर है? यस सर। ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या था। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या था सर? फर्स्ट क्वेश्चन मतलब तुमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया क्लास, जो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपने, ये वाला, इसी वाले की बात कर रहे हो? यस यस। 4 मीटर माइनस के 4 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन पैरेलल प्लेन मिरर। अगर आपके दो मिरर पैरेलल रखे हो इनफाइनाइट लेंथ के, कितनी लेंथ है इनकी? इनफाइनाइट लेंथ। कलर चेंज करता हूं इसको। लेंथ है मान लो इनकी इनफाइनाइट, तो क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? देखो जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की कुछ डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकती है। मान लो आप x1 मान लो, l1 मान लो, चाहे ये वाली डिस्टेंस l1 हो सकती है और ये वाली डिस्टेंस l2 हो सकती है। बीच में कहीं भी रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने माना कि पहले इससे कोई रे गई m1 के पास में कोई रे गई, फिर लौट के रिटर्न आई, तो एक इसी लाइन पर सारी इमेजेस बनेगी, ये मान सकते हो आप। आप ये मान सकते हो कि यहां से एक रे गई जिसका कि रिटर्न ऐसे आई वापस। तो हमें दो रे चाहिए होती है ना इमेज बनाने के लिए, दो रे चाहिए होती है ना। तो हमने एक रे तो हम परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं, दूसरी रे यहां से एक m1 मारे मिरर पर भेज देते हैं। ये m है और m' या फिर m m' मान लो। चलो यहां से एक मिरर इमेज भेज, रे भेजी मैंने इस m वाले मिरर पर, क्या ये रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्ट हो गई है। यस सर। अच्छा ये रिफ्लेक्ट हुई है तो क्या एक्सटेंड करके किसी इस वाली रे को एक्सटेंड किया तो उससे जाके मिलेगी? तो ये यहां पर जाके मिलेगी। पहली इमेज बनी I1। I1 हमारी क्या बन गई? पहली इमेज बन गई। किसके कारण बनी है? मिरर M के कारण। अब ये जो I1 बनी है, ये इस पहले देखो दोनों इमेज अपनी अपनी एक इमेज बना लेंगे। तो देखो ये जो I1 है वो इस बी ऑफिस वाले m-dash मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसे काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वैसे एक मिरर, एक इमेज यहां से भी बन सकती थी कि यहां से आप रे भेजो, यहां से रे भेजो और यहां से भेजो, तो यहां पे भी एक रे इमेज बनेगी। जैसे मान लो आप I-dash मान लो पहली बार I-dash, ये आपकी दो इमेज बन गई I1 और I-dash। I1 किसकी वजह से बनी है? M ऑब्जेक्ट, M मिरर की वजह से। I-dash किसी वजह से बनी है? M-dash की वजह से। अब देखो M-dash, ये जो इमेज गई थी, ये जो रे गई है, इस पॉइंट पे जाके फिर से टकराई B से, टकराई ना? यस सर। टकराई ना B से, टकराने के बाद में फिर से रिफ्लेक्ट हुई आपके M मिरर पे गई। तो ये देखो ये जाके इसको फिर से उसी लाइन को काटेगी I2 पर, जो कि बनेगी I2 इमेज। अब देखो ये जो इस B को, B वाले पॉइंट पे कोई बंदा खड़ा है, उसको क्या लगेगा पता है? उसको लगेगा कि I1 वाली जगह पे कोई क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे रे आ रही है और B पॉइंट पे जाके टकरा। लगेगा कि नहीं B वाले बंदे को? यस सर। आपने yes, देखा होगा ऐसा सस्पेंस, आपने देखा होगा नाई की दुकान पे, सैलून पे जाते हो। अच्छा अभी आप सैलून पे क्यों गए? yes, कटिंग कराने तो जाते होगे, कटिंग कराने जाते हो तो आप बैठे हो आराम से, सामने पीछे शीशा लगा हुआ है, उसकी मिरर इमेज सामने दिख रही है, फिर सामने वाले की पीछे दिख रही है, फिर पीछे वाले की आगे दिख रही है, ऐसा होता है कि नहीं? आपने ऑब्जर्व किया है? अभी नहीं किया है, अगर नहीं आया ना तो आगे से जाइएगा, ऐसे सैलून में जाइएगा जिसमें थोड़ा मिरर्स का अरेंजमेंट अच्छे से हो। वो करते क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं लगाते, थोड़ा एंगल पर झुका, टिल्ट करा के लगाते हैं। जैसे इस साइड में जैसे मैं बैठा हूं ना, तो मेरे सामने पीछे वाले एरिया, जो मेरे पीछे से कैसे वाल काटे जा रहे हैं, वो इमेज भी मुझे मेरे सामने देखे, तो वो कैसे बनती है? मेरी इमेज मेरे पीछे वाले साइड की इमेज पीछे वाले मिरर पर बनती है, पहले पीछे वाले मिरर पर yes, सामने वाले मिरर को लगता है कि पीछे कोई और बंदा बैठा है जिस
जिसका ये वाला एरिया मुझे दिख रहा है तो उस जो सामने वाला मिरर, एक तो मेरा फेस दिख रहा होगा सामने, सामने मेरे सामने तो मिरर लगा है, एक तो मेरा फेस दिख रहा होगा, तो पीछे वाला जो जो मेरा पीछे वाला एरिया दिख रहा था ना, उसको सामने वाले मिरर को लगेगा, सामने वाले मिरर के लिए जो मेरे पीछे वाली इमेज है जो कि पीछे वाले मिरर में दिख रही है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो आपको दो कंसेप्ट मिले यहाँ पे, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल इमेज। समझ में आ रही है बात, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात समझ में आया क्या है? मिरर, मिरर के सामने अगर मिरर रख दोगे तो एक मिरर के सामने आप खड़े हुए हो, उसकी मिरर इमेज दूसरे वाले मिरर में बनेगी और उस मिरर को जो सामने एक और मिरर था उसको लगेगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना आपका। यस सर। आपकी इमेज मिरर में दिखती है तो क्या वो वर्चुअल होती है? यस सर। अब उस मिरर के सामने एक और मिरर रख दिया जाए तो क्या उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि ऐसे कैमरे से, फोन के कैमरे से आप मिरर में सेल्फी खींचते हो कि नहीं खींचते हो? बैक कैमरे से, बैक कैमरे से आप मिरर में देख के सेल्फी कैसे खींच लेते हो बताओ? क्या आप उधर हो, बैक साइड में तो नहीं हो आप? भाई मिरर, मिरर में आपकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। लेकिन कैमरे को क्या लग रहा है, कैमरे को क्या लग रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट लगता है कैमरे को, लगता है कि आप उसमें खड़े हो, मिरर के अंदर खड़े हुए हो। तो कैमरे को क्या लगता है, आपकी इमेज जो मिरर में होती है, आपने देखा होगा मिरर के सामने आप मोबाइल का कैमरा लेके खड़ा हो ना, खड़े हो ना बैक कैमरे से, क्या बैक कैमरा आपकी तरफ है? जैसे मैं पकड़ा हूँ ना अभी फोन को, मैं पकड़ा हूँ फोन को अभी, जैसे यस सर आप अभी क्लास के बाद में खड़े हो ना, मिरर के सामने कैमरे को ऑन करके खड़े हो जाना, कैमरे को ऑन करके खड़े हो गए ना तो आप देखोगे कि आपका कैमरा आपकी तरफ नहीं है, ये बैक कैमरा आपकी तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपकी इमेज बनेगी। क्यों बनेगी, कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी कि जो आपकी इमेज, आप रियल ऑब्जेक्ट हो, वो मिरर के अंदर बना, वो क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी। वो वर्चुअल इमेज ही कैमरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। इसीलिए जो मिरर में आपकी इमेज बन रही है वो कैमरे के लिए क्या काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। समझ में आया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट? यस सर। अब देखो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी हम, तो देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है, क्या ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है क्या इसकी इमेज I2 बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी? यस सर। यस सर। तो इनके डिस्टेंसेस के बीच के पे ही क्वेश्चन आता है। एक्चुअली मैं आपसे पूछ लेगा कि M के कारण पहली इमेज और M डैश के कारण तीसरी इमेज में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या? इसके लिए एक फंडा मैंने निकाला है बहुत अच्छा सा, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे कितनी बनेंगी फिर? अगर कभी भी भूल जाओ तो आप अपने मोबाइल का कैमरा लेके मिरर के सामने खड़े हो जाना, मोबाइल का बैक कैमरा, फ्रंट नहीं, बैक कैमरे से आप देखोगे भाई मेरी तरफ कैमरा नहीं है लेकिन मोबाइल के अंदर फिर भी मेरी पिक्चर आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि जो आपकी मिरर इमेज बन रही थी शीशे में, मिरर में जो इमेज बन रही थी वो कैमरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो उसके लिए फंडा होता है, उसके लिए क्या है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जिससे मिरर वन से डिस्टेंस है L1 और मिरर टू से डिस्टेंस है मान लो L2, टोटल डिस्टेंस है L1। तो हम क्या करेंगे, पहली इमेज M1 के कारण बनेगी L1 पर, L1 डिस्टेंस पर, दूसरे मिरर M2 के कारण बनेगी क्या, L2 डिस्टेंस पर। मान लो ये एक इमेज बनेगी यहाँ से M, भाई ऑब्जेक्ट से जितना डिस्टेंस होगा क्या उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनेगी? Yes, sir. या फिर बोल लो M2 1, ये कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की बताओ जरा, L2 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस L2 है कि नहीं?
पहली इमेज सिंपल बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे एक इमेज बनेगी जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो आप एल L1 डिस्टेंस पे होगी ना ये तो, यस सर L1 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट L1, तो ये क्या बनेगी I1 1 1 मान लो 1 1, यानी कि मिरर 1 के कारण फर्स्ट इमेज। अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट यहां से मान लो रे आई यहां पे और यहां से रिफ्लेक्ट हो गए, कैसे गई ये मिरर, मान लो यहां तक है, यहां पे गई, जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी ये मिरर इमेज, तो देखो इस मिरर के लिए M2 के लिए क्या I2 क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा? यस सर। तो देखो I2 की इमेज कहां जाके बनेगी, यहां पे कहीं जाके बनेगी, I2 की इमेज कहां जाके बनेगी, कहीं यहां पे जाके बनेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पता है आपको, ये डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो टोटल ये डिस्टेंस प्लस टोटल ये वाली डिस्टेंस। उसके लिए हमारा क्या बनेगा, ट्रिक बनाई हमने कि M1 के कारण मान लो L1 फर्स्ट इमेज बनी और M2 के कारण L2 पे फर्स्ट इमेज बनी, तो जो M1 पे इमेज बनेगी वो क्या बनेगी L2 प्लस L1 प्लस। देखो इससे अब आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो, इस मिरर के M2 के कारण आपको इमेज निकालनी है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इससे कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है बताओ यार, क्या L+L1 है? L1+L है? Yes, देखो M2 के कारण, देखो M1 M2 पे क्या बनना है, L1+L पे बननी है कि बननी सेकंड इमेज M2 के कारण, L1+L पे बननी है कि नहीं बननी, देखो यहां से क्या इस इमेज की डिस्टेंस भी L1+L होगी बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल मिरर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये है हमारा, मिरर ये है, इसके कारण इमेज बनी, तो हमें ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है L+L1, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी L1+L। सिमिलरली M1 के कारण कितने पे बनेगी L1+L पे, नेक्स्ट इमेज बनेगी तो हर बार देखते हैं हम एल को ऐड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस में करते जाते हैं, ये हमने ट्रिक निकाली थी, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए ये ट्रिक निकाली कि मान लो आपको M1 के कारण थर्ड इमेज पूछे तो ये क्या है, थर्ड इमेज है, और ये क्या है, सेकेंड इमेज है, ये क्या है, थर्ड इमेज है, कोई भी दो इमेजेस के बीच में अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखो यार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। देखो मान लो ऑब्जेक्ट के पैरेलल में ही होती आएंगे, पहले हम उसी से देख लेते हैं ना, कि हम पहले M1 के फॉर्मूले से देखते हैं, पहले रे डायग्राम बाद में बनाएंगे, बना हुआ देखेंगे, एक्चुअली रे डायग्राम बनाने में हॉचपॉच ज्यादा हो जाती है। M1 की इमेज पहले किस पर बनेगी, M1 की 2 सेंटीमीटर पर बनेगी कि नहीं बनेगी, अरे M1 इमेज ऑब्जेक्ट से 2 सेंटीमीटर पर है ना, और M2 कितने पे है, चलो ऐसे लिखते हैं कि जिस साइड में M1 है उसी साइड में M1 लिखेंगे, M1 यहाँ पे है तो M1 यहाँ लिखते हैं, M2 इधर है तो इधर लिखते हैं। M1 की फर्स्ट इमेज कितने पे बनेगी, 2 सेंटीमीटर पे बनेगी, yes, और M2 की फर्स्ट इमेज 3 सेंटीमीटर पे बनेगी, yes, वो तरीका बता रहा हूँ आपको कि आपको ड्रॉ करना ही ना पड़े, ड्रॉ एग्जाम में अगर आया क्वेश्चन इतना टाइम नहीं है, रे डायग्राम ड्रॉ करो, वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड इमेज कैसे बनेगी, ऐसे क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्या लिखना होता है L मतलब 3+2 कितना 5 लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, yes। अब देखो इधर इधर कैसे जाते हैं 3+5,
8 सेंटीमीटर पर बनेगी इसकी सेकंड इमेज, और M2 के कारण सेकंड इमेज कितने बनेगी, 5 प्लस 2 कितने बनेगी, 7 सेंटीमीटर पर। सिमिलरली थर्ड इसके फिर से क्रॉस कर दो, यहाँ पे फिर 5 सेंटीमीटर रख दो। अब देखो जरा 8 प्लस 5 कितना हुआ, 13। ये देखो ठीक है, 7 और 5 कितना, 7 और 5 क्या क्या होगा, 13। 7 और 5 13 और 8 5 12। अब देखो हमें चाहिए कौन कौन सी, थर्ड इमेज चाहिए M1 के कारण, M1 के कारण हमारी आ गई थर्ड इमेज, ये थर्ड ही है ना, यस सर थर्ड है ना ये। और M2 के कारण कौन सी चाहिए सर, 7 5 12 नहीं होगा, 7 5, ओके ओके 7 5 12, ऑपोजिट लिख लिया, 8 5 क्या होगा, अच्छा 8 5 13, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हमारी थर्ड इमेज है, और इसके कार्ड के, और हमें कौन से M2 के कार्ड, कौन सी इमेज चाहिए सेकंड M2 कार्ड, ये क्या है सेकंड इमेज है कि नहीं, अरे है ना, यस सर। तो हमें डिस्टेंस किसके बारे में, डिस्टेंस किस किसके बीच में चाहिए हमें, डिस्टेंस थर्ड और सेकंड के बीच में। देखो थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड 12 पे है, तो 12 पे थर्ड है, प्लस सेकंड कितने पे है, सेकंड कितने पे है, 7 पे है ना, देखो यहां से थर्ड आपकी 12 पे है, हाँ 12 पे है, और इधर एक है 7 पे, इधर 7 पे, तो क्या ये डिस्टेंस बीच में ऐड होगी, तभी तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकलेगी, यस सर। Yes, sir. 12 प्लस 7 प्लस कितना 5, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 24। अब देखो इसको जरा रे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट था हमारा, हमारा यहाँ पे मान लो यही पे ऑब्जेक्ट हमारा यही पे था, ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट इमेज आपकी, फर्स्ट इमेज बनी थी कहीं पे भी, ये आपकी थी फर्स्ट इमेज, आपकी पहले बनी थी यहाँ पे, कितने पे बनी थी फर्स्ट इमेज, फर्स्ट इमेज कितने पे बनी, 2 पे M2 के कारण, और 3 पे बनी थी M, सॉरी ये वाला कौन सा है, ये वाला लेफ्ट साइड वाला कौन सा मिरर था, M2, और राइट ये M2 है, ये M1 है, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनती है, क्रॉस से, समझ में आ रही है बात। और ये जो डिस्टेंस आती है 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये मिरर से डिस्टेंस आती है, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस अगर पूछेगा तो हमें ये डिस्टेंस बीच वाली ऐड करनी पड़ेगी, तभी आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, yes, तो टोटल मिरर इमेज बनी, क्योंकि देखो जब रे डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा सा खोचपोच हो जाती है उसमें, इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था मैं आपसे पहले भी, चलो क्योंकि एक तो गैप भी कम है स्क्रीन पर, अब आप उसको फील मत करिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस देखते हैं, ये क्या है हमारा कौन सा मिरर है, M2 है, ये आपका M1 है, ठीक है। अब देखो M2 से कितना डिस्टेंस है, M2 से ऑब्जेक्ट का, M2 से है 2 सेंटीमीटर 3, M2 से 3 है ना, M2 से 3 है, M1 से 1 है, 2 है सॉरी, ये वाला 3 है, ये वाला 2 है। अच्छा देखो इसका पहला इधर के कौन सा बनेगा, मान लो M1 कितने बनेगा, 2 पे बनेगा, बनेगा ना, yes, sir. Yes, sir. और 1 2 कितने बनेगा, 2 1, सॉरी 2 1 कितने पे बनेगा, I 2 1, 3 पे बनेगा कि नहीं बनेगा, 3, yes, अब देखो इसके कारण, इसके अब इस मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इस मिरर से 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया ना, 5 प्लस 3, अब देखो इसका जो M1 के कारण जो इमेज बनेगा I 1 2 क्या 8 पे बनेगा, यहाँ से 8 पे बनेगा कि नहीं बनेगा, yes, sir. Similarly क्या होगा, ये 2 वाली जो है, 2 वाली इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी M2 के लिए, तो देखो ये 2 वाली वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी, तो देखो यहाँ से 2 ये और 5 ये, 2 ये और 5 ये, क्या 7 डिस्टेंस होगी यहाँ से ऑब्जेक्ट की, वर्चुअल ऑब्जेक्ट M2 से, तो यहाँ पे कितना बनेगा, I 2 1 I 2 2 कितने बनेगा, 8 पे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये टोटल है बेटा यहाँ से यहाँ तक है, ये जो एक है, और ये यहाँ से यहाँ तक चली है। अब जब थर्ड इमेज हमें चाहिए, क्या थर्ड इमेज भी चाहिए ना, एक तीसरी इमेज और बनानी पड़ेगी, तीसरी इमेज किसके कारण बनानी है, हमें काम किस किस से है, ये देखो बस
हमें काम था थर्ड इमेज कौन सी मिरर की, M1 की चाहिए, तो M1 की ही बनाते हैं हम इसमें। अच्छा इसकी थर्ड इमेज बनेगी तो कितने बनेगी, क्या ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, अब करेगा कि नहीं? और ये डिस्टेंस कितनी है, 5 है ना ये वाली? सर इस साइड 7 था ना, कौन सा सर लेफ्ट साइड ना, सर लेफ्ट साइड में 7 था, सॉरी 7 होगा, हाँ बिल्कुल 7 होगा। तो 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 8 प्लस 5 13 हो गया ना, तो I13 कितने बनेगी, 13 पे बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। तो हमें डिस्टेंस पूछिए किसकी, इससे और इसके बीच की डिस्टेंस, देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पूछिए, जरा निकालो कैसे आएगी, कितनी होगी ये डिस्टेंस। देखो 8 प्लस ये 13 प्लस ये 5 होगी कि नहीं होगी, यस ये टोटल डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी, 8 प्लस 13 प्लस 5 यस सर, वही डिस्टेंस है, 8 प्लस 13 प्लस 5 क्लियर है? आगे बढ़ें? अब इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन में आपको बतानी है नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी, अभी भी पैरेलल है, टाइम क्या हो गया, बस 2 मिनट बची है, जल्दी करो जरा, फास्ट करो, फास्ट नंबर ऑफ इमेज बताओ जरा, रे डायग्राम ड्रॉ करके होगा ये क्वेश्चन, शॉर्टकट नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं होगा, ध्यान रखना। देखो क्या यहां से एक रे मान लो इधर जा रही है, ऐसे गई, मान लो ऐसे गई और ऐसे लौट आई, तो इसको एक्सटेंड करके हमने यहां तक बना दिया, क्या एक रे से इधर भी जा सकती है, जा सकती है ना, इसको एक्सटेंड करके इधर तक, इसको एक्सटेंड करके, देखो एक रे यहां से ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यस क्या इसकी इमेज कहीं, इसका इसकी इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी, इसको मान लेते हैं मैं M1, इसको मान लेता हूँ M2, तो क्या इसकी इमेज मेरी बनेगी I1 यहाँ पे, सिमिलरली इसकी रे एक यहाँ पे गई और टकरा के यहाँ पर आ गई, तो क्या इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी कहीं I2? यस। क्या अब ये रे किसी मिरर से टकरा रही है? नो सर। नो सर, नहीं टकरा रही ना, तो अभी इस मिरर के, इन दोनों मिरर से कार्ड कितनी इमेज बनेगी, टू। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो पैरेलल में है मिरर इनफाइनाइट इमेज बने, हमेशा इनफाइनाइट नहीं बनती, क्लियर है? यस सर, यस सर। आपको हो सकता है इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए भी आएगी, देखो अरे यार एक बात बताओ, हमें चाहिए थी इसके थर्ड और इसका सेकंड, तो ये ऐड करने चाहिए थे ना हमें, कौन कौन से, ये दोनों और ये तीनों ऐड करने चाहिए थे, हमने 13 क्यों किया है यहाँ पर, 13 और 8 क्यों किया है, 7 और कितना 12 और 5 ऐड होगा ना, अरे थर्ड इमेज और सेकंड इमेज के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, यस सर, यही तो होगी, थर्ड 12 पे है, सेकंड 7 पे है और बीच की मिरर के बीच की डिस्टेंस 5 है, यस सर, हम पिछले पेज में M1 M2 लेने में कंफ्यूज हो गए हैं, बस और कुछ नहीं है, क्लियर है सबको? इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन दूंगा, बस इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस चेंज करनी है, डिस्टेंस क्या कर दो, होमवर्क के लिए एक मिनट लिख दे रहा हूं मैं इसमें, होमवर्क के लिए ये आपको मैं कल पूछूंगा इसको, जब भी नेक्स्ट का 2 सेंटीमीटर को रख दो आप
3 सेंटीमीटर और इस 3 सेंटीमीटर को रख दो आप कितना 5 सेंटीमीटर। आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मेनली बताऊं मैं आपको, ये कंसेप्ट याद रखोगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना हमें बनाना है, एग्जाम में हमें बनाना भी नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि रे डायग्राम बनाए, समझ रहे हो। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज बनाई है, अगर सोचो यहाँ पे राइट रे डायग्राम बना देता तो इतना हौच पौच हो जाता फिगर में, समझ में नहीं आता कुछ भी, होता कि नहीं। यस सर, ठीक है, टाइम भी हो गया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और आज हमने क्या किया, बड़ा जल्दी फास्ट बता दो क्या क्या किया आज। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर ऑफ इमेज किया है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन पैरेलल प्लेन मिरर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन पैरेलल पैरेलल मिरर्स बोल देते हैं। और क्या किया है questions. इसमें questions. इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर, नो सर, ऑल क्लियर है? यस सर, यस। ओके देन बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, यू वेलकम, यू वेलकम। और अगर कोई डाउट बचा है तो नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, मैं इस पैरेलल रिफ्लेक्शन को दोबारा से बता दूंगा, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको टाइम से पहले आना होगा तभी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जो टाइम चल रहा है क्लास का नेक्स्ट क्लास का टाइम खराब हो जाए वरना, ठीक है। अगर डाउट हो तो बता दीजिएगा, पहले खुद से समझो क्योंकि मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इमेज डिस्टेंस में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो आ जाए आपको, उसके लिए डोंट वरी रहे, सबको आता है कंफ्यूजन, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके रहन बच्चो, थैंक यू सर, बाय, यू वेलकम, बाय बाय बाय। Thank you.